हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरस ब्रेन। आज हम कुछ ऐसे जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें हम कर्सिव हैंडराइटिंग सीखने के दौरान जनरली फेस करते हैं। तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने आती है फ्रेंड्स, वो ये है कि हम हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, ऐसा हम क्या करें कि हमारी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाए। तो दोस्तों, हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो है अक्षरों की बनावट। लेटर्स आप कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से आप उनको लिख रहे हैं, क्या उनकी लेंथ है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप उन्हें बार बार बनाएं, आप उन्हें कई बार लिखें। जैसे मान लीजिए आपने ए लिखा, तो केवल एक बार नहीं, कई बार लिखें, क्योंकि जब भी आप लिखेंगे हर बार आपको एक नया लेटर, एक नया अक्षर आपके सामने आएगा और आप देखेंगे कि वो पहले वाले से कहीं बेहतर होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात ये आती है कि आप लेटर्स को लगभग गोलाई में बनाएं। जब हम लेटर्स को गोल बनाते हैं, उनकी बनावट गोल रखते हैं, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप अपने लेटर्स को गोल रखें, उनकी लेंथ को आप बराबर रखें, ऊपर नीचे जो आपस में लेटर्स हैं उनको इतना बड़ा ना रखें कि वो एक दूसरे से आपस में मिल रहे हों, और जो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के जो बीच में डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर डिस्टेंस रहे, इवन जो लेटर्स के बीच में डिस्टेंस है वो भी ज्यादा ना रहे। मेरे पिछले लेसन्स में मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से आप लिखें, और आपको मैंने लिखकर दिखाया भी है कि किस तरीके से उनको लिखाया जाए। फ्रेंड, अब नेक्स्ट बताती है कि अगर आप पहली बार कर्सिव हैंडराइटिंग सीख रहे हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, तो हम कैसे इसको स्टार्ट करें। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है पेंसिल से लिखें, क्योंकि पेंसिल से हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि बचपन से हम पेंसिल से यूज करते आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पेंसिल से कोई भी मिस्टेक होने पर आप उसको इजीली रब भी कर सकते हैं और नेक्स्ट लेटर उससे अच्छा बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप स्टार्टिंग जो है 4 लाइन वाली नोटबुक में करें, क्योंकि उसमें लाइंस जो है वो हमें एक डिसाइड कर देती है कि कितना हमें ऊपर जाना है और कितना हमें नीचे रहना है। तो इससे आपको क्या है, एक इक्वल लेंथ के सारे लेटर्स को बनाने में आपको आसानी रहेगी, आप उनको टेढ़े मेढ़े या ऊपर नीचे नहीं बनाएंगे। फ्रेंड, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट्स इज नॉट अ मैजिक डेट यू हैव लर्नड इन द मॉर्निंग कि यू कैन गेट अ गुड हैंड राइटिंग जस्ट इन वन डे। सो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग फॉर द परफेक्शन, बट आई एम श्योर वन डे यू विल हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को लिखें, अलग अलग सेंटेंसेस को लिखें। आप पहले सेंटेंसेस को लिखें, फिर आप उनसे एक पैराग्राफ बनाएं, क्योंकि आप देखेंगे जब आप एक वर्ड को लिखते हैं और जब आप एक सेंटेंस को लिखते हैं तो वो अलग दिखते हैं, दोनों ही अलग दिखेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं जो हम लिखते हैं अलग 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 अलग, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो आप यही करें, पहले आप वर्ड्स को लिखें, फिर एक सेंटेंस को लिखें, फिर दो लिखें, तीन लिखें, इस तरीके से आप एक पैराग्राफ को बनाएं, फिर पूरे पैराग्राफ को आप ऑब्जर्व करें कि वो दिखने में कैसा लग रहा है, कौन से लेटर्स ऐसे हैं जो भद्दे लग रहे हैं, तो उनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, अब अगली बात आती है कि हाउ टू राइट स्पीडली, कि हम स्पीडली राइट कैसे करें। तो दोस्तों, स्पीडली राइट करने के लिए आप क्या करें, पहले कुछ लाइंस को लिखें, टाइमर फिक्स करके आप उनको लिखें, नॉर्मल अपनी स्पीड में जिसमें आप लिखते आ रहे हैं, और नॉर्मल हैंडराइटिंग में उनको लिखें, फिर आप देखें कि आपको उन लाइंस को लिखने में कितना आपको समय लगता है। अगली बार आप क्या करें, उतने ही समय में आप स्पीडली राइट करने की कोशिश करें, आप देखें कि अब आपने कितने समय में उसको लिखा है। ऑफकोर्स आपकी हैंडराइटिंग पहले से थोड़ी सी पुअर आएगी, डल आएगी आपकी हैंडराइटिंग, लेकिन हमारे लिए पहले स्पीड जरूरी है, बाद में आप हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप हर बार उन लाइनों को, या आप फिक्स कर ले कि हमें 5 से 10 लाइनें जो हैं कि 3 मिनट्स में या 5 मिनट्स में राइट करनी है, तो चाहे जो भी हैंडराइटिंग आए आपकी, आप स्पीडली उसको लिखें, फिर आप उसके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, जब आपके अंदर स्पीड आ जाएगी तो हैंडराइटिंग भी आ जाएगी, क्योंकि आप हैंडराइटिंग एक बार अपनी पहले ही इंप्रूव कर चुके हो तो हैंडराइटिंग तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है ही है। अब आती है कि उसमें स्पीड कैसे डालें, तो मेन बात आप पहले स्पीड पे कंसंट्रेशन करें और देन उसकी हैंडराइटिंग पर। तो आई एम श्योर आप जल्द ही स्पीडली लिखने लगेंगे और ऑफकोर्स आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी आएगी।
फ्रेंड्स अब अगली बात आती है कि अनरूल्ड नोट, जिसे हम ब्लैंक नोटबुक या ब्लैंक पेपर भी कहते हैं, उसमें हम कैसे लिखें, क्योंकि हम क्या होता है जब लिखते हैं तो हमारे अक्षर लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, अक्षर टेढ़े मेढ़े बनते हैं, तो उसको हम किस तरीके से लिखें। तो आप उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप वर्ड पे ध्यान दें, आपने जो फर्स्ट वर्ड लिखा है उसको देखते हुए आप सेकंड वर्ड को लिखें। जब ऐसे करते करते आपकी लाइन पूरी हो जाएगी तो वो जो फर्स्ट लाइन है अगली लाइन के लिए आपके लिए पैरेलल की तरह काम करेगी। द फर्स्ट लाइन विल वर्क एज आपका सिंगल लाइन। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अनरूल्ड नोट में भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट लाइन को रेफरेंस लेते लिखेंगे, तो अनरूल्ड नोट में भी धीरे धीरे आप अच्छे से लिख पाएंगे। पहले आप पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर आप जेल पेन या आप इंक पेन से लिखने का आप ट्राई कीजिए, उसके बाद में ही आप वॉल पेन यूज कीजिए। क्योंकि वॉल पेन से क्या है, एक स्पीड आती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने लेटर्स को, लेकिन जेल पेन या इंक पेन या पायलट पेन में हम ऐसा नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड सम कॉमन प्रॉब्लम्स। इफ यू लाइक द लेसन, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.